ओलंपिक कांस्य विजेता विवेक सागर का भोपाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सीएम शिवराज ने विवेक सागर को मिठाई खिलाई और उनका सम्मान किया। विवेक के साथ कई अन्य खेल हस्तियों को सम्मानित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खिलाड़ी मेहनत करें, सरकार हर तरह से उनके साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेता ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर सहित अन्य प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने विवेक सागर को डीएसपी के पद से नवाजा है, साथ ही 1 करोड़ का चेक भी दिया है। समारोह की अध्यक्षता खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व ओलंपियन व हॉकी कोच अशोक ध्यानचंद्र भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ मंच पर मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर को सम्मान रूप 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के सहायक प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह, अशोक ध्यानचंद्र, शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, पैरा क्याकिंग खिलाड़ी प्राची यादव और शरद कुमार को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खिलाड़ी जमकर मेहनत करें, सरकार हर कदम पर उनके साथ है। मित्रों, आज गर्व से भरे हुए भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद पदक जीता है और पदक जीतने में बड़ी भूमिका विवेक सागर ने भी निभाई है। हमारे चांदोल इटारसी के हैं। आपको याद होगा, अर्जेंटीना के खिलाफ फील्ड गोल किया था विवेक ने, उसके बाद ही अर्जेंटीना से जीत कर हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। वो एक स्वर्णिम पल था इस मध्य प्रदेश के भारत माता के बेटे का। आज यहाँ सम्मान किया गया है और हमने तय किया है कि विवेक खेलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार यहाँ उनको डीएसपी बनाएगी। डीएसपी का मतलब कोई यहाँ आके नहीं बैठना है, मेडल जीतने के लिए काम करना है। और इसके अतिरिक्त हर संभव सुविधाएं और सम्मान हम खिलाड़ियों को देंगे। हम लोगों ने पहले से बेला हॉकी टीम के लिए सम्मान निधि सोच रखी है। आज शिवेंद्र जी भी, जो हमारे सहायक प्रशिक्षक थे, मध्य प्रदेश के ओलंपियन हैं, हमने फैसला किया उनको भी सम्मानित किया जाएगा। सम्मान निधि 25 लाख रुपए की उनको भी भेंट की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों से, लोअर मिडिल क्लास से आते हुए, अपने जिद, जुनून और जज्बे से भारतीय टीम में स्थान बना पाए। उसमें भी हमारी हॉकी अकादमी, जो हमने अकादमियां बनाई मध्य प्रदेश में, मैं यशोधरा जी को बधाई देना चाहूँगा, खेल मंत्री के रूप में उन्होंने एक्सलेंट काम किया है। और वो हॉकी अकादमी अब खिलाड़ी, उद्यमान और प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार करने की नर्सरी बन चुकी है। वहाँ से लगातार खिलाड़ी निकल रहे हैं। हमारे ऐश्वर्य भले ही अभी पदक न ला पाए हों, लेकिन संभावनाओं से भरे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपिक कांस्य विजेता विवेक सागर के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर विवेक का मिठाई खिलाकर स्वागत किया और ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी। कहा कि बहुत बहुत बधाई विवेक, अभिनंदन आपका, अभी आपको और भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे भी वहां मौजूद रही। इसके पहले विवेक सागर का भोपाल पहुंचने पर राजा भोज एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एवं खेल विभाग के अधिकारियों ने विवेक का आत्मीय अगवानी की
साई के डायरेक्टर सत्यजीत संकित, खेल विभाग के डायरेक्टर पवन जैन, ज्वाइंट डायरेक्टर विनोद प्रधान और बी एस यादव सहित खेल अकादमी के सदस्यों ने विवेक का भव्य स्वागत किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।